अस्सलाम वालेकुम, ये हमारी साइट है फेस 6 DHA में। आज हम आपको तारों के बारे में बताएंगे, एक घर में कौन कौन सी तारें इस्तेमाल होती हैं, प्रोसेस क्या होता है, तारें डलती किस तरह बेसिकली, और क्वालिटी कैसे आप चेक कर सकते हैं तारों की। इलेक्ट्रिक वायरिंग पहला स्टेप होता है एक घर के फिनिशिंग के कामों में। कोशिश करनी चाहिए अच्छी क्वालिटी की तारें इस्तेमाल की जाएं और किसी भी ब्रांड के ऑथराइज्ड डीलर से ही ली जाएं। कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिक वायर्स बनाती हैं पाकिस्तान में। अच्छा जिशान, हमें बताएं ये क्या कर रहे हैं आप आज यहाँ पे? अभी आज रात हम वायरिंग कर रहे हैं, जो कि तकरीबन वाइंड अप होने वाली है हमारी। ग्राउंड फ्लोर हमने कर लिया है और जो फर्स्ट फ्लोर है उसका भी तकरीबन वाइंड अप होने वाली है। ठीक हो गया। अच्छा ये करते किस तरह, ये वायरिंग हम करते किस तरह? इसके लिए सबसे बेसिकली ये है कि हम रोड जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर पर पाइपिंग वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। अभी जो है ये जहाँ पर भी इनको केबल बिछानी है वायर जो है, उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो स्ट्रीट वायर है इसको जो है जहाँ पर भी वायर लेकर जानी है वहाँ पर खींचते हैं पहले स्टील वायर, जैसे भी नहीं उन्होंने खींची हुई है वहाँ पर। उसके साथ जब वहाँ पर चली जाती है तो उसके साथ जो भी वायर सामने पहुँचानी है उसको बांध देते हैं, ठीक है। वहाँ से जो है ना हमें खींचेंगे, बेसिकली यहाँ से रूट जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर, जो है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक जा रहा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो आप ये देख सकते हैं, बेसिकली तारों के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर दैट इज कॉपर एंड इंसुलेशन जो पीवीसी मटेरियल होता है। कॉपर को प्योर होना चाहिए और अगर प्योर होगा तो फ्लेक्सिबल भी होगा और करोजन रेजिस्टेंट भी होगा। वजन पीवीसी का मतलब है रिसाइकल ना हो, इसमें प्लास्टिक ना डला हो, और अगर ऐसा होगा तो ये पीवीसी काफ़ी हद तक फायर रेजिस्टेंट भी होगा। आपने हमें बता दिया कि तारें किस तरह डलती किस तरह हैं, लेकिन मुझे डिफरेंट किस्म की यहाँ पे तारें नज़र आ रही हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में भी मैं देख रहा हूँ, वहाँ पे डिफरेंट किस्म की थिकनेस भी इनकी डिफरेंट है, तो आप बता सकते हैं कि ये कितने किस्म की तारें होती हैं और किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं? बेसिकली ये 5 किस्म की तारें होती हैं जो डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। उनमें जो है 1 mm है, 1.44 जिसे कहते हैं, 3.29 है, उसके बाद 7.29 है, 7.36 है और 7.44 है। अच्छा ये जो है 1 mm 1.44 जो आपने बताया, ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है? 1.44 बेसिकली जो है ना अर्थ के लिए यूज़ होती है, अर्थिंग के लिए, घर के अर्थ के लिए, ठीक है। और जो 3.29 है, 3.29 जो है 3.29 के लिए जो है ना नॉर्मली जो लाइट्स हैं और पंखे वगैरह होते हैं जो नॉर्मल जो गर्मी होती है, ठीक हो गया, पंखे हो गए, लाइट्स हो गई उन पर उस पर्पज़ के लिए। और 7.29 किस लिए यूज़ करते हैं? 7.29 जो है वो बेसिकली जो रोड देते हैं मेन, जो जैसे ये सॉकेट आगे मेन जो होता है मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से, अच्छा ठीक है। और जो है जो लाइट प्लग है उनमें भी यूज़ की जाती है। अच्छा लाइट प्लग्स वगैरह होती है, और पावर प्लग्स में नहीं यूज़ होती है? पावर प्लग्स में भी जो है ना 7.36 बस रिकमेंडेड। अच्छा, और 7.36 और कहाँ यूज़ होती है? 7.36 इसके अलावा एसी में भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड है वो 7.44 जो है ना, बड़े यूनिट अगर लगा हैं तो 7.44 जो है ना वो बेहतर भी। और जो मेजरमेंट के दो सिस्टम्स होते हैं, एक इम्पीरियल दूसरा मेट्रिक। पाकिस्तान में मेजरली वायर्स की मेजरमेंट इम्पीरियल सिस्टम से होती है, जैसे इम्पीरियल सिस्टम 1.44, 3.29, 7.29, 7.36 और 7.44। इसको कन्वर्ट करें अगर मेट्रिक में तो 1 mm, 1.5 mm, 2.5 mm, 4 mm और 6 mm। ये 3.29 क्या है? 3 बेसिकली रिप्रेजेंट करता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, और जो 0.029 है ये है डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर। निशान, हमें ना इसमें डिफरेंट किस्म के कलर्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें रेड एंड ब्लैक है, ग्रीन भी एक नज़र आ रहा है और हमें एक येलो भी नज़र आ रहा है, ये आप बता सकते हैं ये क्यों, ऐसा क्यों है? बिल्कुल, ये जो रेड है ये तो करंट के लिए है और ब्लैक जो है ये न्यूट्रल करने के लिए, ठीक हो गया। उसके अलावा ये जो ग्रीन होती है ये अर्थिंग के लिए यूज़ की जाती है, अर्थ के लिए यूज़, जो 1 mm आपने बताया हमें, ठीक हो गया। और ये जो येलो है और कई जगहों में हमें ब्लू भी यूज़ किया है, ये जो है UPS के लिए। अच्छा ये UPS के लिए है बेसिकली। अच्छा आपने,
टेलीफोन के लिए आप कौन सी तार यूज़ करते हैं, टीवी के लिए कौन सी वायर यूज़ करते हैं और कैमराज के लिए कौन सी वायर यूज़ करते हैं? बेसिकली आज 6-7 भी यूज़ की जाती हैं और कैट 6 भी यूज़ की जाती है। किसके लिए? डिपेंड किया जाता है, टीवी के लिए। टीवी के लिए? अच्छा, RJ6, RJ7 जी। और जो है इसके लिए यूज़ की जाती है, और कैट 6 जो है वो मल्टीपर्पज़ होती है, उसके अंदर टीवी भी चल सकता है और फोन और कनेक्टिविटी के लिए भी यूज़ की जा सकती है। ठीक हो गया। और टेलीफोन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टेलीफोन के लिए वैसे हम 2K यूज़ कर लेते हैं और इंटरकॉम्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, और तीसरा हमारा कैमरास के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कैमरास के लिए हम RJ7 यूज़ करते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये वायर नज़र आ रही है, ये ब्लू और वाइट सी, ये कौन सी है? जी बिल्कुल, ये जो ब्लू वायर्स हैं ये हैं कैट 6 की। अच्छा, ये मल्टीपर्पज़ है और यहाँ पे क्योंकि सारी मुझे ब्लू नज़र आ रही है, इसका मतलब है यहाँ पे आपकी टीवी सारे कैट 6 पे है? बिल्कुल, ये हर चीज़ जो है ना वो सारी कैट 6 पे यूज़ हो। अच्छा, और जो ये वाइट तार है, ये वाइट जो है 2 पेयर है, ठीक है, इसमें इंटरकॉम भी चला सकते हैं और जो है साफ जो है ना टेलीफोन वगैरह। अच्छा, हमें अभी तक मेन केबल का नहीं बताया, उसके बारे में जरा बताएं। जी बिल्कुल, जो मेन केबल है वो जो रिकमेंडेड है एक डाल के लिए वो 25 mm है फोर कोर, लेकिन यहाँ पे चूँकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी सेपरेट कनेक्शन के लिए, तो इसके लिए यहाँ पे जो है 16 mm जो है फोर कोर यूज़ की गई है ग्राउंड फ्लोर के लिए और 16 mm सेपरेट जो यूज़ की गई है फर्स्ट फ्लोर के लिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहुत से ब्रांड्स हैं और सब क्लेम करते हैं कि इनकी तार सबसे अच्छी है, पर हम क्वालिटी कैसे चेक करें? इसके 2 तरीके हैं, मटेरियल टेस्टिंग लैब से या फिर साइट पे 3-4 तरीकों से। डिफरेंट लैब्स होती हैं, जैसे UET की और PCSIR की लैब है, उधर से आप टेस्ट करवा सकते हैं। साइट पर आपके पास गेज टूल से चेक कर सकते हैं, कलर से चेक कर सकते हैं, पेन टेस्ट से आपको फ्लेक्सिबिलिटी का आइडिया हो जाएगा और आप ये भी चेक कर सकते हैं कि इसका PVC फायर रेजिस्टेंट है कि नहीं। जब सारी वायर्स कंप्लीट हो जाती हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कुछ ऐसे दिखता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक रिलेटेड एपिसोड में हम आपको डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और इसके कंपोनेंट्स के बारे में बताएंगे। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू शेयर दिस। अगर आप मेरी और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड पुश द बेल आइकॉन।